दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया है। सिर्फ इसका छोटा सा कारण है जो कि वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूं और न ही बना पा रहा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है काफ़ी समय से, 7-8 दिन हो गए आज। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और इसीलिए वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है? तो आप ये मत समझ लेना कि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया है, ऐसा नहीं होगा। वीडियो बनाना मैं बंद नहीं करूँगा कभी भी। आज की जो वीडियो है आप लोग जानती हो किस लिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से ऊबर की जो आईडी हैं वो हैक होते जा रही हैं, और इस रीज़न से ड्राइवर्स जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आईडी हैक होने के बाद वो दोबारा से चालू नहीं होती है। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ऊबर की जितनी भी आईडी हैक हुई हैं वो चालू हो सकती हैं, किस तरीके से होंगी वो इस वीडियो में आप लोगों को बता देंगे, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश कुमार, आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों टैक्सी लाइन से जुड़ी हमारे रोज़ एक नई वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, वेबसाइट www.golatopvideo.com। चलिए वक्त गवाते हो, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि आपने देखा था, बीते लंबे समय से ऊबर की जो आईडी हैं वो हैक हो रही थी, और हैक एक दो आईडी नहीं, काफ़ी भारी मात्रा में हैक हो रही थी। यानी जिसको देखो वो ये कह रहा है भाई मेरी आईडी हैक हो गई, मेरी आईडी हैक हो गई। और ये होती कैसे थी? इसका रीज़न एक सिंपल सा था कि जो ड्राइवर के पास फ़ोन आता था उसे बातों में उलझाया जाता था कि आप सवारी लेके गए थे, पैसेंजर लेके गए थे, आपने ड्रॉप किया, उससे एक्स्ट्रा चार्ज वसूला, आपकी गाड़ी को ऑफ रोड कर दिया जाएगा, आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप अपनी जीमेल आईडी बताएं, फिर एक ओटीपी मांगा जाता था, उसके बाद नेक्स्ट बुकिंग ड्राइवर नहीं कर पाता था। जैसे ही बुकिंग एंड करता था उसके बाद पता चलता था कि उसकी आईडी जो है बंद हो गई है, फिर वो चाहे लाख कोशिशें करे उससे आईडी चालू नहीं होती थी। लेकिन अभी जो है हमें पता चला है, इसी वजह से मैं ये वीडियो सिर्फ बना रहा हूँ कि ऊबर की जो है कोई आईडी है वो चालू हो सकती है। हमें बताया था जो ओला ऊबर के जो वेंडर हैं जसवंत, उनका फ़ोन आया था हमारे पास, उन्होंने बताया था, फ़ोन से ही बताया था। लेकिन हम अभी बालाजी भी गए थे राजस्थान घूमने, तो हम उन्हीं के साथ गए थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई ऊबर की जितनी भी आईडियाँ हैक हुई हैं वो चालू हो सकती हैं और हम उन्हें चालू कर देंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि भाई हो सकता है कि भाई आप में से बहुत सारे भाइयों की आईडी जो है कोई हो और आपकी जो है कोई आईडी थी वो दोबारा से चालू हो जाए तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि देखो रोज़गार हमारा आईडी है, अगर आईडी नहीं रहेगी हमारे पास तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे ओला उबर जैसी कंपनियों में। अभी उबर की बात कर रहे हैं तो उबर की बात करेंगे सिर्फ, तो उबर की जितनी भी आईडी दोस्तों आप चालू करवा सकते हैं। जसवंत सिंह जो वेंडर हैं ओला उबर के, उनका नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आप खुद बात करें। देखो मुझे एक भाई का फ़ोन आया था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप मुझे ही बीच में लो कि भाई आपने मेरे पास बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स जो है भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। अरे भैया मेरे पास ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ, और उनका नंबर भी दे रहा हूँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे पास भाई कोई भी भाई जो है डॉक्यूमेंट्स ना भेजे व्हाट्सएप पर, क्योंकि मैं किसी की भी आईडी चालू नहीं करता ना ही किसी की आईडी बनाता हूँ, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ वेंडर से ही कांटेक्ट करें। अगर हमसे कोई आपको ज़रूरी काम है तो हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके नंबर लें हमारा और हमसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उत्ती में। और जितने भाई हमारे पास कॉल करते हैं, अगर हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते किसी वजह से बिजी होते तो उसके पश्चात हम जो है दोबारा रिटर्न कॉल करते हैं, क्योंकि किसका फ़ोन आया था, क्या प्रॉब्लम है। और आपको यही बता दूं, मुझे ये भी नहीं है कि भाई कि किसी और का फ़ोन आ रहा होगा, मेरे रिश्तेदार का फ़ोन आ रहा है किसी का, या मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा है, तो उस नंबर पर किसी का भी फ़ोन नहीं आता है। सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं सभी व्यूवर्स के जो कॉल हैं उसी नंबर पर आती है। आप जाके विजिट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए और वहाँ पर नंबर मिल जाएगा हमारा। अगर आपको हमसे कोई काम है तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको जो ऊबर आईडी है कोई है उनसे संपर्क, उनसे रिलेटेड कोई काम है, ऊबर आईडी है कोई है जो उसे चालू करवाना है, तो
ओला उबर के जो वेंडर हैं जसवंत सिंह, उनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नाम सहित लिखा होगा नंबर, उस पर ही संपर्क करें, ना कि मेरे पास, ठीक है। और आप अपनी खुद की जिम्मेवारी पर संपर्क करें, आप खुद बात करें उनसे कि किस तरीके से आईडी चालू होगी, कैसे नहीं होगी, क्योंकि हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना ही हम आईडी चालू कर सकते हैं। आईडी चालू करने वाला वेंडर, वेंडर से आप संपर्क करें, ओके, समझ गए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए।